नमस्कार लवर्स, वेलकम टू माई चैनल कार डील्स एंड आई एम गणेश सत्ती। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2021 का टाटा नेक्सॉन का फेसलिफ्ट वर्जन। वैसे तो ये फेसलिफ्ट वर्जन 2020 में लॉन्च हो चुका है, बट आज हम देखेंगे क्या ये कार 2021 में भी उतनी कंपैटिबल है, उतनी ही ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स देती है, क्योंकि इसको ग्लोबल एंड कैप में, जैसा आपको पता ही होगा, सबसे पहली कार थी ये इंडिया की जिसको ग्लोबल एंड कैप में 5-स्टार रेटिंग मिली थी। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक्स की। लुक्स बहुत अच्छा है। ये जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा उठी हुई है, मतलब इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं। पहले की जो टाटा नेक्सॉन थी वो थोड़ी सी नीचे थी, बट फेसलिफ्ट वर्जन में ये मेजर चेंज आया कि ये जो फ्रंट सस्पेंशन है वो बहुत ऊपर कर दिया, और इवन रियर वाले सस्पेंशन भी बहुत अच्छे से इंक्लाइन करते हैं, बहुत अच्छा आपको पंच दे दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक की। तो फ्रंट लुक में आपको टाटा की मैसिव बैजिंग मिलती है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। उसके नीचे ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं, इसको ट्राई एरो एलिमेंट बोला गया है। टाटा को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुका है, मेनली बहुत सारी कार्स में यूज़ हो चुका है। आपने हैरियर वाली वीडियो देखी होगी, तो हैरियर वाली वीडियो में भी ये बहुत ज़्यादा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा है। इवन नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ट्राई एरो देखने को मिल रहा होगा, बट ये ट्राई एरो थोड़ा सा मर्सिडीज बेंज के लोगों की तरह है। अगर मैं बात करूँ इसके हेडलाइट्स की, तो प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिलता है, उसके बाद DRLs के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, और उसके बाद आपको हेलोजन लाइट मिलती है हाई बीम के लिए। उसके नीचे यहाँ पे आपको फॉग लाइट के लिए सिर्फ होल दे रखा है, आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, क्योंकि इस वाले वेरिएंट में जो आज हमारे पास है, पेट्रोल वेरिएंट है, XM वेरिएंट है, उसमें फॉग लाइट्स नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर्स का ट्राई एरो डिज़ाइन देखने को मिलता है। आज का चैलेंज यही है कि आपको कमेंट में बताना मैंने कितनी बार बोला कि ट्राई एरो डिज़ाइन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्राई एरो डिज़ाइन। उसके बाद अगर मैं इसकी साइड प्रोफाइल को चेकआउट करूं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेक्सॉन की बैजिंग, और इसके नीचे आपका यहाँ टायर, जिसका टायर है उसका स्पेसिफिकेशन 195/65R16, मतलब 16 इंच के टायर है, बट यहाँ पे अलॉय व्हील्स आपको देखने को नहीं मिलते, सिर्फ आपको कैप देखने को मिलती है, उसके अंदर टाटा की बैजिंग देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे आपको थ्रू आउट द बॉडी यहाँ पे आपको आउटलाइन देखने को मिलती है ब्लैक कलर की। वैसे अगर मैं बात करूँ इसके कलर की, तो इसका जो कलर है वो है फॉलिएज ग्रीन, सिंपली नाम नहीं रख सकते, बॉटल ग्रीन सिंपल, और यहाँ पे आपको ORVMs देखने को मिलते हैं, बट ये ब्लैक फिनिश में, अगर इसी के कलर के होते तो ज़्यादा प्रेफरेबल होता मेरे हिसाब से। उसके बाद थ्रू आउट द साइड बॉडी आपको यहाँ पे वाइट आउटलाइन देखने को मिलती है, और ऊपर आपको थोड़ा सा ब्लैक एलिमेंट यहाँ तक आपकी विंडशील्ड तक, और उसके बाद आपको बॉडी पेंट के हिसाब से ही आपका स्लोप देखने को मिलता है। उसके ऊपर रूफ रेल्स है, थोड़ी छोटी रूफ रेल्स है, बट सिल्वर फिनिश में काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके बाद डोर हैंडल्स हैं, ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स हैं, क्रोम फिनिश में होते तो ज़्यादा बेटर होता। उसके बाद यहाँ पे आपको आउटलाइन देखने को मिलती है। उसके बाद सी पिलर पे ये जो एलिमेंट आपको देखने को मिल रहा है ब्लैक फिनिश में, वो पहले थोड़ा सा छोटा था, बट अब ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया फेसलिफ्ट वर्जन में। अब चलते हैं इसकी रियर साइड की तरफ। रियर प्रोफाइल में यहाँ पे आपको दे रखी है DRLs की तरीके से LED ब्रेकिंग लाइट्स, और हैलोजन बल्ब दे रखा है आपको साइड इंडिकेटर्स के लिए और रिवर्स के लिए भी। नीचे अगर मैं चेकआउट करूँ, तो ट्राई एरो के साथ ध्यान से देखोगे तो रिफ्लेक्टर्स दे रखे हैं, उसके ऊपर ब्लैक फिनिश दे रखी है। उसके ऊपर अगर मैं चेकआउट करूँ इसका बूट, तो पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, काफ़ी वाइड एरिया है ग्लास एरिया का, जिस पे लिखा है वोकल फॉर लोकल, टॉप माउंटेड टेल लाइट है। उसके साथ यहाँ पे आप एक छोटी सी चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ देखिए ये छोटे से ईस्टर एग्स टाटा अपनी कार्स में बहुत लगा रही है। जैसे आपने देखा होगा उस टाटा हैरियर वाली वीडियो में भी, वहाँ पे लायंस है, यहाँ पे भी दो लायंस देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सेम थ्रू आउट द बॉडी जाता हुआ वाइट कलर में आपको स्ट्रिप देखने को मिलते हैं, उसके नीचे पियानो ब्लैक फिनिश। उसके बाद जो एक मेजर चेंज यहाँ पर करा गया, कि पहले नेक्सॉन की बैजिंग यहाँ पर छोटी सी लिखी आती थी, बट जैसे हैरियर की बैजिंग अब आती है कारों में, अब वैसे ही नेक्सॉन की बैजिंग देखने को मिल रही है आपको 3D में, और ये सिल्वर फिनिश में काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके बाद हम चेकआउट करते हैं इसका बूट। बूट चेकआउट करने से पहले यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं, और यहीं पे ट्राई एरो एलिमेंट। बूट स्पेस को दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी कीज़। इसकी कीज़ बहुत छोटी सी कीज़ है, टाटा की छोटी सी बैजिंग आती है। उसके साथ तीन बटन दे रखे हैं आपको, लॉक अनलॉक एंड लाइट, ये इसकी पॉपअप की है। बूट को ओपन करने के लिए मेरे को ये वाला बीच वाला बटन दबा के रखना पड़ेगा, और अपने आप ये खुल गया।
अपने आप हाइड्रोलिक्स के थ्रू ही ऊपर जा चुका है। यहाँ पे आपको इंसुलेटर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके बूट की, बहुत ही मैसिव बूट है, 350 लीटर्स का बूट है और इसमें स्पेस भर भर गया। स्पेस के लिए आपको यहाँ पे 4 हुक्स दे रखे हैं जिन पे लिखा है मैक 3 kg, मतलब आपकी कोई पन्नी है, कोई बैग है जिसमें आपका लोड 3 kg तक है और आपका ये फिल हो चुका है। मुझे तो नहीं लगता, पहली बात तो ये फिल होगा क्योंकि इसमें आराम से 3 या 4 बैग्स तो बहुत प्रॉपरली आ पाएंगे। स्टिल आपके पास कोई बैग है, छोटा सा हैंड बैग है, वो आप यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत अमाउंट ऑफ स्पेस है। उसके बाद देखते हैं इसके नीचे क्या है। स्पेयर व्हील दे रखा, सेम स्पेसिफिकेशंस, 195/65 R16। और यहाँ पे आपको दे रखी है एक ऑटोमेटिक लाइट। यहाँ पे थोड़ा सा टाटा ने एक थोड़ा सा काम नहीं करा कि यहाँ पे थोड़ी सी फिनिशिंग की प्रॉब्लम है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा इनर बॉडी को दिखा रहा है, इसमें यहाँ पे फिट एंड फिनिश ढंग से नहीं हो रखी, तो थोड़ा सा शायद इस वाले मॉडल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है या ये आ रही है। तो आई होप टाटा इसको ठीक करें अगर ये सब में आ रही है। बाकी जो इसकी सीट है वो 50-50 स्प्लिट नहीं है, नॉट इवन 60, कोई स्प्लिट है ही नहीं कि इसको मैं पुल करूँगा तो पूरा नीचे चला जाएगा। अगर मैं इसको पूरा नीचे कर दूँगा कि 2 पैसेंजर्स ही हैं कार में, तो इसका बूट पे 690 लीटर्स का आ जाता है। बहुत ही मैसिव बूट है। अब बंद करते हैं इसे। यहाँ पे भी थोड़ा सा फिट एंड फिनिश में थोड़ी सी गड़बड़ है कि ये जो टेल लाइट्स है आप देख पा रहे हैं वो एक लाइन में नहीं आ रही है, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी गैप है और थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ये थोड़ा सा फिनिशिंग का वो प्रॉब्लम है यहाँ पे। और यहाँ पे इसका फ्यूल लिड, अगर मैं बात करूँ इसके सस्पेंशन की, तो रियर में आता है आपका ट्विस्ट बीम विद कॉइल स्प्रिंग और फ्रंट में आता है आपका एज यूजुअल मैक पर्शन स्टड विद कॉइल बीम। बात करूँ रियर के ब्रेकिंग की, तो रियर में आता है आपका ड्रम ब्रेक्स और फ्रंट में आता है आपका डिस्क। अगर मैं बात करूँ इसके डायमेंशंस की, तो ये सब कॉम्पैक्ट 4 मीटर वाली कैटेगरी में आती है। तो इसकी लेंथ है 4000 mm की, विड्थ है 1810 mm की, हाइट है 1606 mm की और जो इसका व्हील बेस है वो आता है आपका 2500 mm का। अगर मैं बात करूँ इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है इसका। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। इसका जो इंजन है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले थर्ड की साउंड, क्योंकि ये जो बॉडी है वो स्टील की बनी हुई है, तभी इसको ग्लोबल एनकैप में 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है। यहाँ से इसको ओपन करा, अभी कार ऑन है तो ये थोड़ा सा वाइब्रेशंस दे रहा है। ऊपर आपको इंसुलेटर देखने को मिलता है। नीचे यहाँ पे आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन रेविट्रॉन देखने को मिलता है। इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन है जो आपको देता है 1200 cc की डिस्प्लेसमेंट, 120 bhp की पावर और 170 Nm की टॉर्क। और ये जो bhp की पावर है वो 10 ज़्यादा डीजल वेरिएंट से, बट डीजल में थोड़ी सी टॉर्क आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। बट अब हम जब इसे ड्राइव करेंगे तब चेकआउट करेंगे कि ये कैसा रिस्पांस देती है। बाकी अगर मैं बात करूँ माइलेज की, तो कंपनी क्लेम करती है 17 kmpl की और डीजल में क्लेम करती है 23 की, बट जैसे मैंने इसको चला के देखा तो 15-16 की आराम से दे रही है। अभी ये बिल्कुल न्यू मॉडल है 2020 का, अभी सिर्फ 1400 किलोमीटर चली और इसकी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है, तब ये 15-16 kmpl की आपको फ्यूल इकोनॉमी दे रही है। जब इसकी सर्विस हो जाएगी तो थोड़ी और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। जिसका फ्यूल टैंक है वो 40 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, काफ़ी अच्छा फ्यूल टैंक है। अब हम आ चुके हैं इसकी सेकंड रो में। सेकंड रो का कंफर्ट बहुत है। अभी तो ये आफ्टर मार्केट हमने कवर चढ़वा रखा है इसमें, बट जो इसमें कवर आता है वो भी बहुत अच्छा। अब चेकआउट करते हैं यहाँ पे क्या क्या फीचर्स दे रखे। पहली बात तो आपको ग्रैब हैंडल दे रखा है, यहाँ पे एक हुक दे रखा है कोट लटकाने के लिए, इवन यहाँ पे भी एक हुक दे रखा है। मतलब इसमें स्पेस के लिए इतनी ज़्यादा जगह है ना कि आपको कोई भी स्पेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहाँ पे मैं डोर की बात करूँ, तो यहाँ पे हैंडल दे रखा है ब्लैक फिनिश में, ट्विटर स्पीकर दे रखा है और यहाँ पे आपको ग्रेइश फिनिश में हैंडल देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्लास्टिक का है बट स्टिल ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा छोटा सा स्पेस और यहाँ पे 1 लीटर बॉटल रखने की जगह और थोड़ा सा स्पेयर स्पेस, और यहाँ पे आपको बड़ा स्पीकर देखने को मिलता है। उसके बाद ड्राइवर और को पैसेंजर की सीट के बीच आपको मैगजीन होल्डर मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस देखने को मिलता है। बाकी तो हेडरूम बहुत अच्छा है, थाइस अंडर थाइस सपोर्ट थोड़ा सा कम है, बाकी लेग रूम बहुत अच्छा है। अभी ये जो सीट है वो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, स्टिल मेरे पास बहुत अच्छा लेग रूम बहुत अच्छा दे रखा। बाकी यहाँ पे जो 12 वोल्ट सॉकेट चार्जर है वो आई गेस यहाँ पे मिसिंग है। अब चलते हैं इसके ड्राइवर सीट के पे। पहले इसकी आप डोर का स्प्रेड देखिए यार, शट अप यार। मतलब एक तो कार टेंट बहुत करती है कि मेरा डोर अनलॉक हो गया और की बाहर है, तो ये फीचर थोड़ा सा इरिटेटिंग है। स्प्रेड देखिए आप डोर का, ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, जस्ट लाइक अल्ट्रोस। सबसे पहले ऊपर आपको जॉयस्टिक कंट्रोल देखने को मिलते हैं ओवरवीएम्स के लिए, डोर के हैंडल्स लॉक एंड अनलॉक। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेइश फिनिश में
स्ट्राइप देखने को मिल रहा है, उसके बाद पावर विंडोज के कंट्रोल, थोड़ा सा स्पेयर स्पेस, उसके बाद यहाँ पे भी 1 लीटर बॉटल रखने की जगह और थोड़ा सा स्पेयर स्पेस, और यहाँ पे आपको दे रखा है अम्ब्रेला होल्डिंग के लिए, छोटा अम्ब्रेला के लिए जगह। उसके बाद यहाँ पे ट्विटर स्पीकर देखा और यहाँ पे भी बड़ा स्पीकर देखा। अगर मैं स्पीकर की बात करूँ तो टोटल 8 स्पीकर आते हैं इस कार में, 4 ट्विटर और 4 बिग हरमन के स्पीकर इनबिल्ट आते हैं इसमें। अब चलते हैं इसके अंदर, बहुत ही कंफर्टेबल कार है, स्टीयरिंग व्हील बहुत ही अच्छा है, ये जो आपको हम देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छी ग्रिप देता है, इवन यहाँ पे आपको ये फ्लैट दे रखा है तो ग्रिप के लिए बहुत अच्छा। स्टीयरिंग पे आपको टाटा की बैजिंग मिलती है, ये इसका हॉर्न है, थोड़ा स्लो हॉर्न है, बाकी पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है आपको। बाकी यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है इस वेरियंट में, अगर हम बात करें इस वेरियंट्स की तो 32 वेरियंट्स आते हैं विदाउट ईवी, नेक्सॉन ईवी के 3 वेरियंट्स हैं, अगर हम उसे भी एड ऑन कर देंगे तो टोटल 35 वेरियंट्स बन जाते हैं इसके। तो इस वाले वेरियंट में क्योंकि ये पेट्रोल वेरियंट है तो, और थोड़ा सा लोअर मॉडल है तो यहाँ पे आपको बटन इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के बटन नहीं देखने को मिलते, नॉट इवन MID डिस्प्ले को कंट्रोल करने, बट ये बहुत अच्छा हॉर्न कहीं से भी चल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर मिलता है, साइड इंडिकेटर्स के कंट्रोल मिलते हैं, और ये है आपका वाइपर्स के लिए। उसके बाद ये MID डिस्प्ले है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं सनशेड की बात करूँ तो सनशेड काफ़ी अच्छा है। उसके बाद टिकट होल्डर देखने को मिलता है यहाँ पे, यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिलती है, LED लाइट है, यहाँ पे आपको सनग्लास रखने के लिए मिलता है, और छोटा सा यहाँ पे स्पीकर देखने को मिलता है। पैसेंजर के सन वाइजर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ इसके डैशबोर्ड की तो ये जो ब्लैक फिनिश में डैशबोर्ड दे रखा है ना, जस्ट वाओ। और उसके बाद यहाँ पे जो ग्रे का एलिमेंट देखने को मिल रहा है आपको थ्रू आउट द डैशबोर्ड, बहुत ही अच्छा। उसके बाद यहाँ पे छोटू सा इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, बट ये ना टच स्क्रीन है ना कुछ है, सिर्फ इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती है और सिर्फ रेडियो है, वो मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा। बाकी नेक्सॉन में अब अपर वाले वेरियंट्स में यहाँ पे आपको 7 इंचज का MID डिस्प्ले देखने को मिलता है टच स्क्रीन के साथ, जिसमें आपका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले और बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स है, इवन टायरट्रॉनिक्स भी। उसके बाद यहाँ पे आपको हाजर्ड लाइट, उसके साथ यहाँ पे आपको AC के वेंट्स, और इसके नीचे यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के नॉब्स दे रखे हैं और बटन दे रखे हैं, उसके नीचे AC को कंट्रोल्स करने के बटन दे रखे हैं, उसके नीचे यहाँ पे भी है, बाकी सारे जो बटन है वो फेक है सिवाय दिस वन। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस देखने को मिलता है, और इसी में मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी वी इंडियंस पुट एवरीथिंग एवरीवेयर। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट सॉकेट चार्जर देखने को मिलता है, यहाँ पे USB पोर्ट मिलता है, बट ये जो ऑक्स का है बट वो थोड़ा सा बंद सा हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाटा ने थोड़ी सी स्पेस को आई शुड से कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि यहाँ पे थोड़ा सा USB पोर्ट की केबल घुसाना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद यहाँ पे आपको 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलता है, और ये रिवर्स का जो है यहाँ पे आपको एक वो दे रखा है लेवलर दे रखा है कि आप उसको अपनी तरफ फुल कीजिए फिर उसके बाद ही आप रिवर्स में जा पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉब देखने को मिलती है जस्ट लाइक टाटा हैरियर, सिटी, इको एंड स्पोर्ट्स। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 कप होल्डर्स की जगह। उसके बाद यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर मैं ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो ग्लव बॉक्स के लिए एंट्री के लिए यहाँ से बटन है, और ये इसका ग्लव बॉक्स खुल गया, बहुत ही मैसिव ग्लव बॉक्स है, बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी हुई है, और इवन यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ 2 कप होल्डर्स भी आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कप होल्डर, बट यहाँ कप होल्डर देने का क्या मतलब था, ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। और यहाँ पे ट्विटर स्पीकर। बात करूँ इसके RVM की तो ऑटो डिमिंग RVM नहीं है, मैनुअली एडजस्टेबल ही है ये। ऑटो डिमिंग होता तो थोड़ा सा अच्छा होता, थोड़ा हेल्पफुल होता। बाकी आप इसके RVM में देख पा रहे होंगे कितना अच्छा व्यू मिल रहा है मेरे को बैक का। आप करते हैं इस कार को स्टार्ट, यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, साथ में आपको टैकोमीटर देखने को मिलता है, ये लाइट्स जलती है इसमें जो ऑल द वे जाता है 8000 RPM तक। राइट में आपको कूलेंट का देखने को मिलता है और फ्यूल का देखने को मिलता है। ये जो एलिमेंट दे रखा है ना आपको लाइट का, ये बहुत अच्छा है कि आपको लाइट के थ्रू पता चलेगा कि आपकी कार में कितना फ्यूल है, कितनी आप RPM पे चला रहे हो, कितनी पावर दे रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आपको डिजिटल क्लॉक मिलता है, उसके बाद स्पीडोमीटर सिटी का दिखा रहा है क्योंकि मेरी कार सिटी में, तो अभी मैं इसका मोड चेंज करूँ तो यहाँ से मोड चेंज हो जाएगा इको मोड एंड दिस इज द स्पोर्ट मोड। तो बाकी नीचे आपको दिखा रहा है कि जितना फ्यूल आपकी कार में उससे उस हिसाब से आपकी कार कितना डिस्टेंस आएगी, विच इज अराउंड 206 किलोमीटर। उसके साथ मैंने कितनी चला ली है, 1400 किलोमीटर मैंने ये कार चला ली है, और बहुत ही कंफर्टेबल कार है, कहीं भी मेरे को 1400 किलोमीटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद यहाँ पे आपको छोटू सा इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ से आप ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हैं।
अब एसी ऑन कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। जो इसका एसी है बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी वेरियंट्स में एक्सप्रेस कूलिंग का भी ऑप्शन आता है जो 70% इसको ज़्यादा अच्छे से ठंडा करता है, बट ये जो इसका एसी है बहुत अच्छा है। कहीं भी आपको यही फील नहीं आती, इवन बैक में भी ये एसी का थ्रो कम है। अब चलते हैं एक राइड पे, लेकिन उससे पहले मास्क एंड सीट बेल्ट्स। हमेशा ड्राइव से पहले सीट बेल्ट जरूर पहने। अब ऑन करते हैं इसे। लेफ्ट फुट ऑन द क्लच, हैंड ब्रेक्स डाउन, फर्स्ट गियर, थोड़ा सा व्हील स्पिन, पहले ही गियर में 40 और सेकंड गियर में 50, यहाँ पे मैंने थर्ड गियर करा 60-65 बहुत आराम से। ब्रेकिंग्स, ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है इसकी क्योंकि इसमें ABS विद ESP आता है, डुअल ABS है। और यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंशन का टेस्ट, काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है। लेते हैं हम थोड़ा सा इसमें अब यू टर्न। टर्निंग रेडियस इसका 5.25 का आता है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं इसे थोड़ा सा पंच देता हूँ, लोअर पंच बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है, बट स्टिल वो 4000 RPM तक ब्रेक करती है। 70-75 ब्रेकिंग का टेस्ट। इसके ब्रेक्स बहुत सॉफ्ट है, इवन क्लच भी बहुत सॉफ्ट है, एक्सेलरेशन भी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे थोड़ा सा हम्प, थोड़ी सी स्पीड में करा था तो अच्छा रिस्पॉन्स है। कार में आप नॉइज़ देख सकते हैं कितनी नॉइज़ है, 6000 RPM पर रेव करने पे भी कितनी ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करती है कार। अंदर की सराउंडिंग्स की साउंड बहुत लो है, बाहर की आवाज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अभी मैं इसको AC भी ऑन करता हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है, तब देखते हैं इसका पावर कैसी डिलीवरी है। तो हम ज़रा AC ऑन कर देते हैं। ओह, बहुत ही रिलैक्स। इसका जो गियर बॉक्स है बहुत ही अच्छा है, गियर शिफ्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही मेरे को। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की, तो प्राइस स्टार्ट हो जाता है 6 लाख के अराउंड एक शोरूम, जो जाता है अराउंड 10 लाख तक। काफ़ी अच्छा प्राइस है, कंफर्टेबल प्राइसिंग है। बाकी EV का जो प्राइस है वो इससे 3-4 लाख थोड़ा अप आता है। बाकी परफॉर्मेंस के मामले में मेरे प्रेफर है कि आप 1.5 लीटर का डीजल इंजन लें, भले उनकी लाइफ थोड़ी छोटी होती है बट पावर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इवन माइलेज भी बहुत अच्छी है। बाकी अगर आपको थोड़ी लॉन्ग टाइम के लिए कार चाहिए तो आप पेट्रोल के लिए देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आपको क्या ये कार लेनी चाहिए, मतलब 2021 में क्या ये कार स्टिल वर्थ इट है, तो मैं बात कर रहा हूँ इसके प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे पहला प्रो जो है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग। सेकेंड प्रो जो है इसका वो है इसके अंदर की कैबिन स्पेस, बहुत ही अच्छा है, बाकी कार में थोड़ा सा कम आता है। बाकी प्रोज की बात करूं तो इसमें ABS, ESP इतने सारे फीचर्स हैं कि आप गिन गिन के पागल ही हो जाएंगे। बाकी मैं कॉन्स की बात करूं तो मेजर कोई अपडेट नहीं आया फेसलिफ्ट में। मैंने सोचा था थोड़ा सा अच्छा वर्जन आएगा इसका, थोड़ी सी थोड़ा एग्रेसिव लुक होगा, तो मेरे को वो एक्सपेक्टेशन थी बट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं हुआ। बाकी इसमें कॉन्स के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल कार है। मैं प्रेफर करूंगा कि हाँ आप इस कार को स्टिल 2021 में ज़रूर देखें। बाकी हम इसकी परफॉर्मेंस को अभी चेक कर ही रहे हैं, तो AC में भी स्टिल ये पावर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दे रही है कि मैं इसको 4000 और 5000 तक आराम से रेव कर सकता हूँ। बाकी ये इसकी जो बाकी जो इसके डायमेंशन हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही स्मॉल सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। इवन छोटी गलियों के लिए बनी और हाईवे के लिए भी बनी है ये कार, हर जगह आपको कहीं भी आपको मायूस नहीं करेगी ये कार, बहुत ही अच्छी कार है। अभी तो ये हाईवे का थोड़ा सा टेस्ट था, अब थोड़ा सा इसको सिटी रोड्स पे चला के देखते हैं कि गलियों में और सिटी की रोड्स में कैसा इसका रिस्पॉन्स है। तो अब हम आ चुके थोड़ी सी छोटी कंपैरेटिवली छोटी रोड पे, बट स्टिल ये अभी खाली है, तो अभी तो देखते हैं इसको, करते हैं थोड़ा सा गलियों में टेस्ट। पावर परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छी इस कार की, जो हम्स है वो तो गड्ढे और हम्स से पता ही नहीं चलता। इसका सस्पेंशन बहुत बहुत अच्छा है, एक प्रो इसका ये भी है, इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे है। अगर मैं इसे सेकंड गियर में उठाने की कोशिश करूँ,
बहुत स्लो है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो 3000 आरपीएम तक रैप कर जाती है उसके बाद आपको एकदम से एक इनिशियल टॉर्क मिलते हैं। अंदर की तरफ देखते हैं क्या ये कार वहां पे कंपैटिबल है जितनी हाईवे पे है। छोटा सा गड्ढा है, गड्ढे तो इसमें बिल्कुल ही पता नहीं चल रहे, बाकी कार तो पूरी हिल जाती है, बट ये कार गड्ढों के मामले में बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर मैं इसको ओवरटेक करने की सोचूं बहुत स्लो है सेकंड में तो, लेकिन जैसी है 3000 आरपीएम तक जाती है तब एकदम से टॉर्क मिलता है, बट पहले उसको लगता है उठाओ कि भाई उठ जा। इसका स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही स्मूथ है। इवन मैंने जितनी चलाई है ये कार इसके स्टीयरिंग में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं फेस हुई कि स्वेटी हो रहा है हैंड्स या पकड़ने में इरिटेशन हो रही है। हम्स और ये जो आपको हम्स देखने को मिल रहे हैं बहुत ही अच्छा है, बहुत आराम से मैं इसको थंब को यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। इसकी जो विंड स्क्रीन है बहुत मैसिव है, आपको इसके वाइपर्स का स्प्रेड भी दिखाता हूँ, पानी इसमें थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है बट वाइपर का स्प्रेड बहुत अच्छा है, वर्टिकल वाइपर्स है काफ़ी अच्छा है। बाकी मैं थ्रू आउट द बोनट देख पा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को टाटा से एक प्रॉब्लम है या फिर शिकायत बोलूँगा कि यहाँ पे अपर वेरिएंट में पुश स्टार्ट स्टॉप को बटन देते हैं, बट ये क्योंकि की वाली वेरिएंट आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एटलीस्ट ये आपको ये बंद तो करना चाहिए था, ये पूरा हॉलो है, मतलब मैं क्या करूँ इस चीज़ का, यहाँ तो मैं कुछ रख भी नहीं सकता। ये चीज़ को थोड़ा सा देखना चाहिए था टाटा को, बट उन्होंने नहीं देखा, इग्नोर मार दिया, बट कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इन सब छोटी मोटी चीज़ों से मैं कार को बाय करने को नहीं कहूँगा आप लोगों को, बहुत ही अच्छी कार है तो ज़रूर इसको कंसिडर करें। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आपने मेरे को पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएं कि अगर वो सोच रहे हैं टाटा नेक्सॉन को लेने की उनके इस वीडियो में प्रोज एंड कॉन्स समझ आएंगे, तो अगर कुछ गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।